और आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। अब बस करते हैं, इसका ढक्कन बंद करके इसको रख देते हैं और इसकी फ्लेम ऑन कर लेते हैं। तो सरसों का जो तेल होता है ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होता है और इससे सेहत पे कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता। तो अब हमारा जो ऑयल है ये थोड़ा थोड़ा वाइट होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद हम इसमें पकौड़ों का मिक्सचर ऐड करेंगे और हमारे पकौड़े बनके तैयार हो जाएंगे। तो जी पकौड़े बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं, जो ज़्यादा क्रिस्पी हैं वो हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से निचोड़ के निकालने हैं ताकि ऑयल बाकी ना रह जाए। ये पकौड़े अब हम निकाल रहे हैं, ये पेज आप देख सकते हैं, ये मेरे रजिस्टर का पेज है जिसके ऊपर मेरा काम लिखा हुआ है और अब पकौड़े भी तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। ये जो पकौड़े हैं ये हमने निकाल लिए हैं और बाकी पकौड़े अभी फ्राई हो रहे हैं। तो अब मैं खाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े के बने हैं और हर चीज़ का अलहदा अलहदा जायका आ रहा है, तो काफ़ी टेस्टी है। और आप भी हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को देख के आपका पकौड़े खाने का मन ज़रूर कर रहा होगा, अगर कर रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं उस पकौड़े बना के खाएं। तो अब मैं भी खाती हूँ और भाइयों को भी देती हूँ, वो देखिए कहाँ बैठा हुआ है। तो अब मैं भी खाती हूँ, भाइयों को भी देती हूँ। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।